नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम ऑल इज वेल में। जी हाँ, ऑल इज वेल आपके कैरियर से रिलेटेड प्रोग्राम है और आपके बच्चों को किस तरीके से एडुकेट करना चाहिए इस बारे में हम अलग अलग कोणों से इस बात पर चर्चा करते हैं और अपने साथ बुलाते हैं उन सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को जिन्होंने अपने फील्ड में नाम कमाया। लेकिन इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं मेरठ के एक पुराने स्कूल में। 50 साल पुराना स्कूल है और इस स्कूल ने अपने आप को परिवर्तित किया है और इस तरीके से परिवर्तित किया है कि NCR का ये नंबर वन स्कूल हो गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के सेंट्रल स्कूल्स की श्रेणी में, क्योंकि इस साल इसने 50 साल होने के बाद 100% रिजल्ट दिया है। तो हम सीधे आपको लेकर आज ऑल इज वेल में केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन से ही रिपोर्टिंग करेंगे, प्रोग्राम दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बच्चों को वहां पे ग्रूम किया जाता है, क्योंकि हमारे पास एक सुनहरा मौका और है कि यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स, जहां पर इस कार्यक्रम की झलक भी देखेंगे, वहां के बच्चों से भी बात करेंगे, वहां की कल्चर को भी थोड़ा सा परखने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे वहां के प्रधानाचार्य से जिनके अंडर में इस स्कूल ने 100% रिजल्ट दिया है। जी हाँ, डॉक्टर दिवाकर सिंह वहां के प्रधानाचार्य हैं। लेकिन अभी सीधे लेकर चल रहे हैं आपको हम केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स में आपके अपने कार्यक्रम ऑल इज वेल में। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम ऑल इज वेल में, क्योंकि स्टूडियो से निकलकर हम पहुंच गए एक 50 साल पुराने स्कूल में जो मेरठ में काफी प्रतिष्ठा रखता है और नाम है केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स, जिसमें हर फील्ड में से बच्चे कामयाब होकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हम हैं केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स में और यहाँ पर ऑल इज वेल कार्यक्रम के दौरान हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 7 स्कूलों के बच्चे प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं, बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन उकेरने की कोशिश कर रहा है, तराशने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर दिवाकर से भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो बच्चों के कैरियर को शेप कर रहे हैं और किस तरीके से वो बच्चों को टिप्स देते हैं जीवन में सफल बनने के लिए। तो स्वागत है ऑल इज वेल में आपका केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन से। जी हाँ, ये वो स्कूल है, जब से ये काम कर रहा है तब बच्चे स्कूल भी नहीं आते थे, आसपास के क्षेत्रों में जाकर बच्चों को स्कूल बुलाया जाता था और आज केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स का ये स्कूल अपने आप में एक मिसाल बनता जा रहा है, क्योंकि इस स्कूल ने पिछले कुछ सालों में एकेडमिक एक्सीलेंस वाला पैरामीटर छू लिया है। पुराना स्कूल है और राष्ट्रीय एकता शिविर है और राष्ट्रीय एकता शिविर में आपको भारत की परंपरागत नृत्य शैली के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए केंद्रीय विद्यालय सभी पब्लिक स्कूलों से अलग होते हैं। इसकी एक छोटी सी बानगी ऑल इज वेल कार्यक्रम में आपके सामने चल रही है। अलग से डांस टीचर है और अलग से ही इन सारी हॉबीज के लिए इंतजाम किया गया है। लीजिए मुलायजा फरमाइए एक और बेहतरीन प्रस्तुति का। बहुत अच्छा लग रहा है क्लासिकल, ये मतलब अपना ट्रेडिशनल डांस वगैरह तो अच्छे लगते ही हैं, ये सब तो बहुत सुंदर लगता है और अब बच्चे जो प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों का तो बहुत ही खूबसूरत है। मैडम, जिस तरीके से आपके स्कूल में इसमें ट्रेनिंग दी गई है उसको लेकर कैसा लग रहा है बच्चों का भविष्य? मेरा स्कूल कह लीजिए या केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में आप हमारे यहाँ आप जानते हैं कि टीचर जो है बहुत ही मतलब क्वालिफाइड आते हैं, कई लेवल क्रॉस करके क्वालिफाइड, तो जितना अच्छा वो कर सकते हैं मुझे नहीं लगता उतना अच्छा कोई और कर सकता है। हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों की ये प्रस्तुति देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की प्रस्तुति तो बहुत अच्छी है। एकता शिविर में एक और एकल प्रस्तुति है भरतनाट्यम की।
Yeah.